बेहतरीन लग रहा है देखिए। ओ भैंस की आंख, बहुत सही लग रहा है। नहा लो बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अंदा, बहुत अंदा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग हैं, ये कौन सी जगह है भाई? तिलवाड़ा। यहाँ से कितने किलोमीटर है अभी? 67 किलोमीटर अभी सोनप्रयाग बचा हुआ है। और अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करने जा रहे हैं, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है। ट्रैकिंग करेंगे तो एनर्जी चाहिए, तो नाश्ता करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वैसे ही ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, 9 बज रहा है, देख लो 9:11 हो रहा है। अभी पहुँचते पहुँचते हम लोग को 11:30 बज जाएगा। और वैसे भी पूरा ट्रैक नहीं करेंगे, बीच में हम लोग कैंपिंग करेंगे। स्टे ट्यून्ड। कहाँ रह गए? ये अपना होटल था जहाँ हम लोग रुके थे कल रात में। नाश्ता दो भाई, नाश्ता दो। कहाँ है सब? बंदा कहाँ यार, यहाँ कोई है ही नहीं लग रहा है। हम लोग बिना नाश्ते के निकलने वाले यहाँ से। एंड वो बंदा था ना, उससे पूछते, कोई नहीं है भाई यहाँ पे, लग रहा है ऐसे ही निकलना पड़ेगा हम लोग को। नाश्ता वास्ता कुछ नहीं है भाई? कुछ नहीं है बोल रहा है ये। चलो हम लोग निकलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे तो मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को गुड मॉर्निंग, बट अगेन मोटो व्लॉग में। सो हम लोग होटल से निकल चुके हैं और 10 बज चुका है। और यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है day 3 फ्रॉम माय होम लखनऊ। एंड यहाँ पे मैंने सुना है रोड वोड बन रही है, तो बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं चल के। गूगल आंटी दिखा रही है कि हम लोग पहुँच जाएंगे 2 घंटे में, बट देखते हैं, क्योंकि अपना जो भाई है ना, वो समझ रहे हो ना, मतलब आराम से चलता है, आराम से। बाकी ये तिलवाड़ा जगह थी, ये दूध प्याग से 5-6 किलोमीटर आगे है। अभी अगस्त मुनि आएगा, उसके बाद हम लोग ऊखी मठ आएगा, उसके बाद आगे हम लोग केदारनाथ के लिए निकलेंगे। ऊखी मठ से अगर आप राइट मुड़ जाएंगे तो आपको देवरिया ताल के लिए रोड मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल रोड है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोड थोड़ी सी ख़राब है, ऑल्दो क्योंकि चार धाम की जो रोड है वो बन रही है। एक बार ये बन जाएगी तो बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पर आना। और लेट्स सी कब तक बनती है। रोड का मज़ा लो, रोड का बहुत ही बढ़िया रोड आ जाती है मक्खन रोड आने के बाद। तो वो देखिए, अभी आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, मुझे तो बहुत साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। वो सामने दिख रहा है पूरा, बहुत ही बढ़िया पहाड़ हिमालय। सो चोटी के पास पहुँच रहे हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया जगह पर, बहुत ही सुकून वाली जगह पर पहुँच रहे हैं। देखो भाइयों, पूरा पहाड़ दिख रहा है भाई, वो क्लियर हो आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जाम लग गया लग रहा है। तो ये देखिए नदी कितनी तेजी से जा रही है, आई थिंक ये मंदाकिनी नदी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। अलकनंदा तो उधर से आ रही थी, बद्रीनाथ से, ये केदारनाथ से आ रही है, तो ये मंदाकिनी नदी है पक्का, मतलब मेरे को लगता है ऐसा। और याला जो रोड जा रहा है वो बद्रीनाथ चौपता ऊखी मठ, इधर से जो मैंने आपको बताया था, आप जब राइट मुड़ेंगे वहाँ से आपका चौपता पड़ेगा, यहाँ से लेफ़्ट मुड़ने पे हमको पड़ेगा केदारनाथ। तो चलते हैं फिर, क्योंकि 54 किलोमीटर्स हैं और टाइम लग जाएगा उसमें। मैन वाओ, इट्स ओ वाओ वाओ। तो वहां बिराजे हैं हमारे भोले बाबा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि व्यू पीछे चला गया भाई। वो देखो भाई सामने, अरे गजब लग रहा है यार, गजब ठंडा पानी है भाई, मस्त। ओ भैंस की आंख, मस्त। ये देखो अभी फिलहाल हम लोग पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो हम लोग भी नहा लेते हैं यहाँ पे।
बेहतरीन लग रहा है, देखिए बहुत सही लग रहा है। नहा लो बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अंदा, बहुत अंदा। चलते हैं हम यहाँ से, हम लोग को निकलना भी है, पहुँचना भी है, एक फोटो ले लें। सीरियसली पहाड़ में चलाना मज़ेदार तो होता है, बट अगर रोड अच्छी ना हो तो फिर सजेदार होता है। सजेदार सजेदार साजेदार। वाह, यूं हो गई थी मेरी गाड़ी, लेकिन अपन जो है ना बच गया, अपन जो है ना खिलाड़ी है, खिलाड़ी खिलाड़ी मानते ना, खिलाड़ी गाड़ी चलाने वाले खिलाड़ी अपन। कमर को बचाना है तो करो सैडलिंग। ये तो यहीं घुसता चला आ रहा है। वाह बेटा वाह, भैंस की आँख इसकी। रास्ते देख लो दोस्तों, केदारनाथ के रास्ते ऐसे हैं, सोचो अगर हम लोग रात को आते तो हम लोग की तो वाट लग जाती। सोनप्रयाग 2 किलोमीटर। यहाँ तो एक्सपर्ट्स लेके आओ। ये आ गए हम लोग सोनप्रयाग सामने। ये चलो गाइस, यहाँ पे जो आप देख रहे हो काउंटर, यहाँ से आपको ई पास बनवाना पड़ेगा। पहले देहरादून वाली साइट से होता था, देहरादून स्मार्ट करके जो वेबसाइट थी, अभी जो अभी लोग ने कर दिया है वो है धाम वाली, केदार बद्री करके है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसमें रजिस्ट्रेशन करा के ही आपको आगे पास मिलेगा। तो अब चल रहे हैं हम लोग आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चले पकड़ो। अरे भैया, और यहाँ से अभी हम लोग गाड़ी लेके गौरीकुंड तक जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग ट्रैकिंग चलेगी। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज, लेट्स सी। कोशिश है जितना ज़्यादा जा सकें जाएंगे, उसके बाद कैंपिंग करेंगे, और कैंपिंग होती भी है कि नहीं होती है देखते हैं यार, कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो। दो लोग भैया गलत गियर मत लगा। गाड़ी चल गई है अपनी, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 4 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर। ये देखो ये रिकॉर्डिंग चालू है, ऐसे बैठे हुए हैं देख लो। तो हम लोग अभी गौरीकुंड आ चुके हैं, इस गाड़ी से आए थे, एंड अब यहाँ से पदयात्रा चालू है। हर हर महादेव बोल के ही चलते हैं हम लोग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब ऊपर हम लोग केदारनाथ के लिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि रात में तो ट्रैक नहीं करेंगे, रात में हम लोग करेंगे कैंपिंग। कैंपिंग लक्ष्मी, नहीं भाई। सो ये देखो ट्रैक चालू हो चुका है और सिक ले चुके, कुछ महीने बंद हो जाएंगे तो। अब ऐसे वाट लगने वाली है, कोई बात नहीं। वाओ, टेक अ लुक। अभी जयपुर जाके एक ट्रैक करके आया था, एंड अब ये ज़्यादा ख़तरनाक है। वो तो सिर्फ 250 सीढ़ियाँ थी, ये 16 किलोमीटर है भाई, मज़ा आनी है। खाना वाना खा के निकल गए हैं,
थोड़ी एनर्जी बन गई है। और 4:30 बज चुके हैं, लेट मी चेक, 4 बज गए हैं, 4। और ऐसे नज़ारे दिखते रहेंगे और हालत भी ख़राब होने वाली है। ये देखो भाई, गजब। और अरे क्या हो चुके हम लोग यहीं पे, 500 मीटर नहीं आए होंगे। एक्चुअली बैग बहुत बड़ा है, और भारी है, इसलिए हम लोग आराम आराम चल रहे हैं। बाकी आप देख लो, ऐसे स्लाइड हुआ है यहाँ से, लैंड स्लाइड। ये देखो, यहाँ से स्लाइड होके सीधे तीर्थ यात्रा। अभी 1 किलोमीटर ही चले हम लोग और आपको दिखाता हूँ बहुत बढ़िया नज़ारा। ये देखिए, ऊपर से पानी आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। ठंडी हवा है ऑल्दो, लेकिन वही है ना भाई, थकान, चलने में जो पसीना निकलता जा रहा है ना, बहुत गजब। और ये देखिए, सामान ऐसे जाता है, देखिए सिलेंडर है उसके साथ, तो ऐसे ज़िंदगी चलती है पहाड़ों में। क्या ही ज़िंदगी है प्लेन वालों की और क्या ही ज़िंदगी है पहाड़ वालों की। मेहनत ज़्यादा, नॉन पॉल्यूशन एरिया। टेक अ लुक, वीडियो लंबी होने वाली आली, तो हो सकता है 2 पार्ट बनाऊं मैं। वाओ, मेरे जूते में पानी चला गया, मुझे ध्यान देना चाहिए था। बहुत हालत ख़राब हो चुकी है और मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाने जा रहा हूँ, होप क्लियर हो। बहुत ही बेहतरीन है, मतलब नंगी आंखों से देखो तो बहुत अच्छी लग रही है, बट कैमरे में उतना जज नहीं हो रहा होगा। और ये हमारी हालत, सो चलते हैं आगे और बात करते हैं आपसे। चले जा रहे हैं थके हुए, खारे हुए, बैग टांगे हुए। अभी बहुत ही ज़्यादा बचा है और भाई लगातार भी चलेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। अपना बैग हमेशा ब्रांडेड लेना, ब्रांडेड लेना, बैग लोकल मत खरीदना, लोकल मत खरीदना, अदरवाइज ट्रैकिंग करने में ना हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे मेरे अभी पूरे कम कंधे ना वाट लगी हुई है। एक्चुअली मैंने लिया नहीं था, मुझे बढ़िया बैग मिला नहीं, मैंने अपने दोस्त से लिया है बैग और वो बैग मेरे कंधे को खा रहा है। ओह, और हालत ख़राब है। नज़ारा ये देखो, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा तो हो रहा है भाई, लगभग टाइम बता देता हूँ 5:41। चलो भाई, बम बम बोले, हर हर महादेव, महादेव का नाम लेते हुए चलते रहो। आगे कोई अच्छी लोकेशन मिलेगी वहाँ पे हम लोग कैंपिंग को लगाएंगे। अभी 3-4 किलोमीटर है, मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। One eternity later. So, hello guys, देखिए हमने टेंट लगा लिया है एंड यहाँ लाइट नहीं अपने पास, मतलब ऐसा सच ऐसे कोई लाइट हमने नहीं ली हुई है, एक ही लाइट है। और सामने देखो पूरा अंधेरा अंधेरा है भाई। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग कर लिया, देख लीजिए पूरा लगा लिया हम लोगों ने नीचे। 9:50 हो गया है, अब टेंट लगा चुके हैं, स्लीपिंग बैग सब लगा लिया है, अब अंदर बैठेंगे थोड़ी देर, थोड़ा मतलब मोबाइल चलाएंगे और कल दिखाते हैं आपको यहाँ से व्यू। बहुत ही बढ़िया व्यू है और अगर भूख लगेगी तो भाई स्टोव और सिलेंडर सब लाए हुए हैं, बनाया जाएगा मैगी या फिर सूप, है ना? या तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में या फिर कल ही मिलेंगे। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो हो सकता है ये 2 पार्ट में आए, देखता हूँ, अगर 2 पार्ट में आएगा तो 2 पार्ट में डालूंगा, अगर 1 पार्ट में आएगा तो 1 पार्ट में डाल दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।